सांसदों के वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़ी अपडेट आपको बता दें। और द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों ने वोट दिया है, जिसका वोट मूल्य जो है वो बैठता है 3,78,000, जबकि यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों ने वोट दिया और उन्हें मिले वोट का मूल 1,45,600 है। इसमें 15 सांसदों के वोट को अवैध घोषित कर दिया गया है, यानी सिर्फ सांसदों के वोटों की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू 2,32,000 से ज्यादा वोटों से यशवंत सिन्हा से आगे चल रही हैं। और अभी जो जानकारी आई है, जैसा आपको बताया हमने कि सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी जो सभी राज्य हैं वहां के विधायकों की वोटों की गिनती चल रही है। अब ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू बड़ी जीत दर्ज करेंगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सांसदों की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और अभी सभी राज्यों के विधायकों की वोटों की गिनती चल रही है, ये इसमें इस वक्त का बड़ा अपडेट है, आपको हम बता रहे हैं। और उसी के हिसाब से एक बार आंकड़े आपको हम फिर से बता देते हैं। सांसदों के वोटों की जो गिनती है वो खत्म होने के बाद द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों ने वोट दिया, तो इसका जो वोट मूल्य है वो 3,78,000 बैठता है, जबकि यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों ने वोट दिया और उन्हें मिले वोट का जो मूल है वो बैठता है 1,45,600। इसमें 15 सांसदों के वोट अवैध घोषित किए गए। तो द्रौपदी मुर्मू 2,32,000 से ज्यादा वोटों से यशवंत सिन्हा से आगे है और इसी को लेकर, इसी वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा अंतर है दोनों में और द्रौपदी मुर्मू के गांव में, उनके पैतृक गांव में, उनके आवास पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर की, वो भी उड़ीसा से हैं और यहाँ पर महिलाएं कैसे ओडिशा के परिधान में वहां का नृत्य करती हुई खुशी का इजहार कर रही हैं। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर तो इस वक्त रंग भी खेला जा रहा है, वहां पर लोग जश्न मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मानो जैसे कोई त्योहार हो। और इसी तरह का जो माहौल है वो हर तरफ देखने को मिला उनके गाँव में, उनके ससुराल में भी। द्रौपदी मुर्मू की हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से उनका जीवन रहा है, पार्षद से लेकर हर बड़े पद पर वो आसीन रही, राज्यपाल वो रही चार राज्यों की, और उसके बाद अब वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। फिलहाल जो आंकड़े बताते हैं उनकी जीत तय मानी जा रही है और इसीलिए उनके अपने, उनके घर के बाहर उनके अपने जो रिश्तेदार हैं वो इस वक्त जश्न में डूबे हैं। तो आप देखिए किस तरह से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर की तस्वीरें हैं और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि द्रौपदी मुर्मू के गांव में किस तरह का जश्न हो रहा होगा। चलिए उससे पहले आंकड़ों का खेल भी आपको हम समझा देते हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों ने वोट दिया, हालांकि सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, ये बड़ी अपडेट है, लेकिन इनका जो वोट मूल्य है, जो 540 सांसदों ने उन्हें वोट दिया, वो 3,78,000 है, ये आपको जानना चाहिए। जबकि यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों ने वोट दिया और उन्हें मिले वोट का मूल्य 1,45,600 है। तो ये अभी हम आपको बता रहे हैं, हालांकि सभी राज्यों में जो विधायक है उनके वोटों की गिनती अभी चल रही है, ये कहा जा रहा है कि 5 बजे तक लगभग वो भी पूरी हो जाएगी। इसी बीच इनमें 15 सांसदों के वोट अवैध घोषित भी किए गए हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, यानी सिर्फ सांसदों के वोटों की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू 2,32,000 से ज्यादा वोटों से यशवंत सिन्हा से आगे चल रही हैं। और जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि अभी विधायकों के वोटों की गिनती जारी है, तो ऐसे में पूरी संभावना है कि जो अंतर है यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच वो बहुत बड़ा है और मुर्मू की बड़ी जीत होगी और इसीलिए हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश को मिलने जा रही हैं, ये संभावना अब लगभग लगभग ठीक हो चुकी है। मयूरभंज जिले की एक आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कुछ घंटों के बाद देश की 15वीं राष्ट्रपति जी के नाम पे चुने जाएंगे। देश भर में समाज की वंचित वर्गों के मन में, आदिवासियों के मन में, महिलाओं के मन में और हमारे समूचा पूर्व भारत में और उड़ीसा जैसे प्रांत में अनेक खुशी है कि पहली बार प्रजातंत्र का सही मायना सामने आ रहा है। एक इस प्रकार की पृष्ठभूमि की जननेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता आज देश की सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेगी, यही हमारी देश की प्रजातंत्र की उपलब्धि है। मैं इसके लिए देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
एनडीए की तमाम नेतृत्व और महाप्रभु जगन्नाथ जी को आभार प्रकट करता हूं।